नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी फिर लेके आया हूँ। कहानी ये है कि एक राजा के यहाँ एक अफवाह फैली हुई थी। बहुत समय पहले की बात है, ये राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, कि एक व्यक्ति ऐसा था उस राज्य में जिसका मुख देखने से इंसान को सारा दिन भोजन नहीं मिलता था। ये अफवाह प्रचलित हो गई कि इसका मुख जिसने देख लिया उसको भोजन नहीं मिले। ये बात धीरे धीरे मंत्रियों, सेनापतियों और यहाँ तक राजा तक भी पहुँच गई कि फला आदमी का मुख देखने से भोजन नहीं मिलता है। राजा ने कहा, यार ये चेक करना चाहिए। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि काम करो, उसे बुला के ले गया। उसे बुला के लाया गया तो उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा मुख देखने से इंसान को भोजन तक नहीं मिलता है। बोले, महाराज लोग कहते हैं लेकिन मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ। बोले, ठीक है, हम इसका ये देखेंगे कि मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगा एक दिन, और सुबह सुबह जगते ही तुम्हारा मुख देखूँगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है महाराज, अब महाराज की आज्ञा को कौन मना कर सकता है। महाराज ने उसकी व्यवस्था कर दी अपने ही महल में, अपने पास ही सुलाया। सुबह जैसे ही महाराज ने जग के उसका मुख देखा, कोई दिक्कत नहीं। राजा उस दिन ऐसा व्यस्त रहा किसी कारण से कि शाम तक राजा ने भोजन नहीं किया। शाम को राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि भाई वाकई में ये तो बहुत मनहूस आदमी है, इसे तो राज्य से निकाल देना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। सबने कहा, महाराज ऐसे मनहूस आदमी को रखने से तो हमारी प्रजा में बहुत दिक्कतें आएंगी, तो इसे मरवा दो, फांसी दे दो इसे। राजा ने कहा कि ठीक है, इसको फांसी दे दो। फांसी की सजा हो गई उस व्यक्ति को। तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। बोले, ठीक है, मैं एक बार महाराज से मिलना चाहता हूँ, लेकिन सब लोगों के सामने। ठीक है, मिलवा देते हैं। उसे मिलवाया गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरे मुंह देखने से भोजन नहीं प्राप्त होता है, ये मैं मान गया, लेकिन आज मुझे एक चीज़ और याद हुई कि आपका मुख देखने से मुझे फांसी हो गई। बहुत बड़ी बात कही थी उस व्यक्ति। राजा को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तो एक कहावत प्रचलित है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो तन देखा आपना, मुझसे बुरा ना हो। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों के गलेबान में झांकने से पहले अपने गलेबान में झांक लेना चाहिए। जो चीज़ तुम दूसरों के लिए सोच रहे हो, वो चीज़ तुम पर भी तो लागू नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ होती है, लेकिन तीन उंगली अपनी तरफ होती है। तो हमेशा अच्छा सोचो दूसरों के बारे में, आपका भी अच्छा ही होगा।